अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये चांतारा चौक का इलाका है, आप देख सकते हैं कि पीछे जो नाला है ये एक नाला है, छोटा सा नाला, लेकिन नाले के अंदर आप देख सकते हैं पानी कितने उफान पर है, कितना बहाव उसमें कितना तेज है। ये आसपास देखिए ये घर है, घर के यहाँ देखो अभी यहाँ पर चार टाँकियाँ थी, चार टाँकियों में से पानी की वजह से दो टाँकी भी बह गई। मतलब पानी का प्रेशर आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा आ जाए तो बच्चा पानी के प्रेशर से बह जाएगा। अभी हम लोगों ने मोहल्ले में जो चांतारा चौक के आसपास का जो मोहल्ला है तो कई घरों का हालात देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कई घरों के हालात के क्या हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कपड़े भीग गए, अनाज बर्तन वगैरह सब भीग गए, अनाज खराब हो गए, कागज बह गए। ये पहली बार नहीं है, ये बार बार होता है। जबकि पानी बंद होने को तकरीबन 6 से 7 घंटा हो चुका है, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। हम बार बार इसके बारे में, आखिर ये पानी आता कहाँ है, पहले सवाल तो यही उठता है कि ये पानी आता कहाँ से। तो हम लोग इससे पहले भी कई न्यूज़ लगा चुके हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो दोषी है तो धुलिया महानगर पालिका है। क्योंकि जो रोड बना था, जो सद्भावना कंपनी, जो टोल नाका जिनका है सद्भावना कंपनी, जो उधर के एरिया का जो पूरा पानी लाकर एक छोटे से नाले में छोड़ दिए। जबकि बाहर कई नदियाँ हैं, ये चाहे तो स्प्रिंग पुल की नदी में या कब्रिस्तान के आगे जो आगे का जो नाला है उसमें भी छोड़ सकती है पानी, लेकिन ये पूरा पानी गाँव के एक छोटे से नाले में लाकर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बार बार लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ये जो पानी जो आ रहा है, तो इससे पहले भी हमने बताया कि ये टोल नाके के आगे एक बंद बांधा गया है, रोका गया है, जब पानी बढ़ जाता है तो उसको इस नाले में छोड़ देते हैं। उसके अलावा ललिंग और आसपास के जितने इलाके हैं, चक्करबल्ली और जो खेड़े पाड़े अवधान वगैरह हैं, तो सभी इलाकों का पानी इसी एरिया में इसी एक नाले में छोड़ा जाता है। इसलिए इस नाले से लगकर जितनी भी बस्तियाँ हैं तो उनका नींद चैन हराम हो जाता है जब पानी छोड़ा जाता है। बच्चे भूख से तिलमिलाते रहते हैं, रात रात भर जागना पड़ता है उनको। आज अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 11:30 से 12:15 बज चुका है, लेकिन यहाँ के आसपास की जो आवाम है, नाले के किनारे जो रहने वाली जो बस्ती है, तो यहाँ पर अभी तक उनके खाने का भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। ना तो किसी संगठन ने उनको खाना पहुँचाया है, ना सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई मदद आई है। ये पानी पूरा डूब गया है, कहाँ घर है, पूरे मोटर डूब गई हमारी, बहुत नुकसान हो चुका है। हम बोलते हैं कि भाई थोड़ा पानी कम छोड़ना है, वो पानी ज़्यादा छोड़ेगा, रात भी रात सामने लगा है, नुकसान हो रहा है। रात भर जाकर उजागर कर रहे हैं, हमें सब सामान हटा के बेम का गोला है, यहाँ मोटर है, पानी की मोटर है, ये मुझे पावर लूम की मोटर है। अगर खुदा ना खास्ता 60-80 हो गया, अगर कुछ पानी के अंदर करंट घुस गया तो किस जुम्मेदार बने सरकार, ये किसको जाएंगे ये पान। हम तो रात भर से सोए नहीं है, सब बच्चे परिवार को नानी के घर पे छोड़ के आए, अब इतना आना आना, अभी सवेरे से 4 नाश्ता भी नहीं करे हमने, सब परेशानी का आलम है। 2 दिन से इसी झेल रहे बस परेशानी। देखो नाला, देखो तू नाला, देखो खिड़की में से ये पानी, नाले का नहीं है, बारिश का पानी नहीं है, पानी धोया जा रहा है ये। मतलब ये पानी कहाँ से, काय का पानी है ये? ये तालाब का पानी है, सब आए हुए सब ये नाले में जोड़ दिए, बाकी सब नाले खाली चल रहे। बस छोड़ के हमारे माँ बाप को वहाँ तक छोड़ दिया हमने, अरे पूरा कपड़ा बिक जाए, तू तुझे भी बिकती है पूरा, कागज पत्तर बन जाए, आधार कार्ड से लेकर सब तक बिक जाए हमारा, हम कहाँ जाना छोड़ के बस घर। पूरा पानी आ गया है, खाना ना पीना कुछ नहीं यहाँ पर, सब ऊपर रख के सामान बता रहा हमने, माँ बाप को छोड़ दिया वहाँ पर सब पूरा हमने। बताओ आप कहाँ जाएंगे तोड़ के, 3 दिन से पानी आ रहा है, इसलिए पानी कहाँ से आ रहा है ये? कपड़े वगैरह सब बिक गए हो यार, कूलर खराब हो गया, जिम्मेदार कौन है? फिर भी दुख भी बेचारे कोई हाँ। ये पानी के बाद कब से आ रहा है पानी? ये फुल पानी हो गया यार, तकलीफ बहुत है हमारे को, 3-4 दिन से पानी चाह रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ऐसा, सब बह के जा रहा सामान हमारा, बहुत सारे फैले का सामना उठाना पड़ रहा है यार। क्या क्या नुकसान हुआ अपना? नुकसान हुआ कपड़े बर्तन बहले सब करके पेटी।